तप यार। ओ। सर क्या हुआ? बुखार है क्या? अरे बुखार नहीं है सिर्फ तापमान जो है वो सामान्य से चार डिग्री ज्यादा है बाकी सब ठीक है, है? अबे है नहीं हाँ कमाल कर रहा है मौसम विभाग ने ऐसे तो हमारे यहाँ पे सूखे की समस्या हल कर दी हैं अब मौसम विभाग की किसी भी रिपोर्ट में आपको सूखा नहीं मिलेगा अब मिलेगा क्या मिलेगा ये है कि अगर बारिश पूरे मौसम में दस परसेंट तक कम या ज्यादा रही तो सामान्य बारिश दस परसेंट और कम हो गई तो कम बारिश और अगर दस परसेंट ज्यादा हो गई तो ज्यादा बारिश समझ में आया मतलब ये कि नो सूखा, नो सूखा बाढ़ मौसम विभाग जस्ट लाइक राम गोपाल वर्मा की आग वो भी कंफ्यूजिंग थी <laughs> मुझे ऐसा लगता है कि मौसम विभाग के ऑफिस से अच्छा काम ये शाहिद कपूर और सोनम की फिल्म मौसम ने किया था है? अरे मतलब मौसम वी भाग और अगर जान बचानी है तो तू वी भाग <laughs> पसीना <laughs> तापमान चार परसेंट ज्यादा है क्या करें वेल <laughs> well, और भागते भागते हम भी अपना शो शुरू करते हैं जहां पे की खबर बनने वालों की खबर बनाने वालों की खबर सुनाने वालों की खबर लाने वालों की सब की लेंगे खबर शो इज कॉल्ड लेते हैं खबर विद मी वरुण बडोला आज इस शो में आपको बताएंगे कि कैसे बदला लोकसभा की कैंटीन का चाल चलन क्यों दिल्ली पुलिस बना रही है जश्न और सेंसर बोर्ड ने किस फिल्म पर दिखाया अपना टशन मैं भी केक काटूंगा और केक काटना मैंने अपने पापा से सीखा है क्यों दोस्तों पहचाना मेरे को ऑब्वियसली बहुत बुरी एक्टिंग की है मैंने किसी दूसरे एक्टर की लेकिन फिर भी अगर समझ नहीं आ रहा है तो जादू को बुलाऊं क्या जी हाँ हमारे क्रिश यानी कि ऋतिक रोशन का कल था जन्मदिन और हमारी पूरी टीम और दर्शकों की तरफ से ऋतिक आपको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं ये ऐसे हीरो है जो कि बच्चों के तो हैं ही है जवान लड़कों में भी काफी पॉपुलर है और लड़कियों में तो क्या कहना मतलब पूछो ही ना बिल्कुल इनकी अगर एक झलक लड़कियों को साक्षात देखने के लिए मिल जाए ना तो फिर ऐसे चिल्लाती है <laughs> <वाँ>। <laughs> रितिक गुड फॉर यू द ग्रीक गॉड आई नो आई नो आई नो लड़कियों के शोर और एक्सप्रेशन देखकर अंदर ही अंदर ऋतिक भी डर जाते होंगे नो और सोचते होंगे कि इतना परेशान तो क्रिश फिल्म के विलन काल ने नहीं किया था जिस तरह ये फीमेल फैंस शोर मचा मचा कर परेशान कर डालती स्टार्टअप के साथ कुछ एक थी चीजें आपको एक्सेप्ट करनी पड़ती क्या कर सकते हैं इस परेशानी के जिम्मेदार आप खुद है कैसे मैं बताता हूं आपको भाई आपको ये किसने कहा था कि एशिया में सबसे ज्यादा सेक्सी पुरुष का खिताब आप तीन बार जीते किसने कहा था कि इतने सुंदर देखो सुंदर वेल हैंडसम एंड सुंदर बोथ और ऊपर से बॉडी क्या बात है मतलब बाहर की हीरोइंस तक आपने पागल करके रखी हुई हैं हॉलीवुड में भी इनके दीवाने हैं फिल्म ट्वाइलाइट सागा याद है आपको उस फिल्म की हीरोइन क्रिस्टन स्टीवर्ट ने तो यहां तक कह दिया था कि वो चाहती है कि उनके बच्चे ऋतिक रोशन की तरह हो पॉसिबल <laughs> तो कुल मिलाकर ये कि डग्गू यानी कि ऋतिक रोशन आपके जन्मदिन पर हम एक ही दुआ कर सकते हैं और वो दुआ ये है कि आपका सितारा हमेशा चमकता रहे और इस साल आपकी आने वाली फिल्म मोहन जोदाड़ो बहुत बड़ी हिट है। हम भारतीय किस मामले में पिट रहे हैं यह भी आपको बताएंगे लेकिन उससे पहले आपको सुनाते हैं बिग न्यूज कैंटीन में खाना पीना हम सबका चलता है लेकिन एक ऐसी कैंटीन है जिससे पूरा देश जलता है जी हां हमारे संसद की कैंटीन अगर आज की डेट में भगवान आम आदमी से पूछे कि वत्स क्या चाहिए तुझे वरदान में क्या दूं तो वरदान में ना आम आदमी यही बोलेगा कि बस प्रभु संसद की कैंटीन में ना सारी उम्र भर की रोटी लगवा दीजिए और कुछ नहीं चाहिए क्योंकि वहां खाना पीना इतना सस्ता था जो कि अब नहीं रहा है, है? आइए जरा देखते हैं कैंटीन का मेन्यू क्या है चाय एक रुपए राजमा राइस सात रुपए फ्रिश फ्राई सत्रह रुपए बटर चिकन सैतीस चपाती एक रुपए इस रेट लिस्ट को देख के तो मुझे लगता है कि मेरे पिताजी ने अपनी जवानी में इतना सस्ता खाना नहीं खाया होगा कसम खा के बोल रहा हूं और खुशी की खबर यह है कि सरकार ने सब्सिडी हटा दी है अब नो प्रॉफिट बेसिस पे खाना दिया जाएगा वैसे मैं आपको बता दूं कि पिछले पांच साल में नेता लोग बहुत सारी और चीजों के अलावा साठ पॉइंट सात करोड़ की सब्सिडी खा चुके हैं अरे शुक्र है इन्होंने कुछ तो हटाया अपने हिस्से में से वरना जब कभी इनके भत्ते बढ़ाने की बात होती है ना तो आपको पूरी संसद भरी मिलेगी कोई छुट्टी नहीं लेता सबको ऐसा लगता है कि कहीं ऐसा ना कि मैं ना पहुंचू कोरम कंप्लीट ना हो है और प्रस्ताव पारित ना हो पाए इन बेचारे सांसदों की एक महीने की सैलरी होती क्या है पचास हजार रूपये बट उसके साथ ये पैंतालीस हजार रूपये संसदीय क्षेत्र का भत्ता तीस हजार रूपये दफ्तर चलाने का भत्ता जब पार्लियामेंट का सत्र चल रहा होता है तो दो हजार रूपये का रोज का भत्ता चौंतीस हवाई यात्राएं अनलिमिटेड रेल और रोड का सफर फ्री टेलीफोन कॉल्स, लाख रुपए से लेके डेढ़ लाख रुपए तक पचास हजार यूनिट बिजली भाइयों कहा फंसा के रखा हुआ है मुझे एक टिकट दिलवा दो सही बता रहा हूँ सारे के सारे पाप तर जाएंगे अगर एक बार इलेक्शन जीत गया ना मैं पांच साल के बाद सन्यास ले लूंगा मुझे करना ही नहीं उसके बाद कुछ भी आइए जानते हैं रायचंद साहब से कि इस वीआईपी संस्कृति के बारे में उनका क्या कहना है ये पर फिर ना कितना चौंतीस फ्लाइट ट्रिप्स मुफ्त की पचास हजार बिजली के यूनिट साल के मुफ्त टेलीफोन कॉल लाख से लेके डेढ़ <laughs> रायचंद राजन साहब बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पे आने का क्या आज तबीयत थोड़ी मतलब ढीले ढीले से मेरा सरकार नजर आता है नहीं 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 अभी सरकार जितना भी ढीला नहीं हो भाई इतना भी ढीला नहीं हूँ टाइट हूँ टाइट हूँ मतलब बेल्ट भी टाइट है मेरी शूज के लेस भी टाइट है मेरे बॉडी भी टाइट है भी, देख लो नहीं नहीं मैं मतलब सेहत की बात कर रहा था सेहत जरा थोड़ी आपकी सरकार जैसी लग रही है नहीं नहीं सेहत आम आदमी ना तो सेहत तो आम आदमी जैसी होगी थोड़ी ढीली तो थो रहेगी <laughs> मैं ये कहना चाह रहा था कि ये जो हमारे नेता लोग जो हैं मतलब इनको जिस तरीके की सुविधाएं मिलती हैं एक किसी ने बहुत कमाल चीज लिखी थी कि सुविधा में फंसे लोग दुविधा में फंसे लोग करते हैं बात बरगद की गमले में उगे लोग तो ये जो पूरा वीआईपी कल्चर जो बना हुआ है हमारे यहाँ पर तो आप क्या कहना चाहेंगे इस वीआईपी कल्चर के बारे में उस गमले को तोड़ दो जिसमें ये लोग उगे हैं ना उस गमले को तोड़ दो ना रहेगा वो ना रहेंगे वो तो ना गुस्सा अब वैसे ये जो दोनों वो थे इसमें आप क्या भरना चाहेंगे मुझे कुछ भरना नहीं है मुझे सिर्फ ये बोलना है ये 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 वीआईपी मंत्रियों वाला कल्चर क्या है भाई क्या है ये वीआईपी गाड़ी का कल्चर एक गाड़ी के पीछे दस गाड़ियां जा रही हैं, चार चार आगे, चार पीछे, चक्कर क्या है मंत्री पीछे इनकी का पैसा हमारे से जा रहा है। जनता की जेब से समझते क्यों इन चीजों को यार अरे काम एक धेले का नहीं मतलब एक गाड़ी का नहीं और दस गाड़ियां लेके जाते हैं और जनता को धूप में खड़ा रखते हैं सड़क के किनारे धूप में लोगों को मैंने गोरे से काला होते हुए देखा है यार, आ, लेकिन निकलते तो कुछ काम करने निकलते होंगे <laughs> मैंने देखा है कैसे काम करने जाते हैं वो आ, लेकिन अब क्या करें ये खैर बताइए इसका हल क्या है इस पूरी समस्या का क्या हल है क्या करेंगे हल लेके आप है? मतलब हल कितनी बार निकला है लोग हल लेके जाते हैं लेकिन वही हल उनके कंधे में लाद के वापस उनको खेत में भेज दिया जाता है कहते हैं खेत में जाओ हल का काम वहां है खेतों में चलाओ आज तक हल सिर्फ खेत में चल रहे हैं भाई सिर्फ खेत में oh, unfortunate. हम ना एक बवंडर के बीच में फंस के रह गए निकल नहीं पा रहे कोई नेता नहीं मिल रहा है ऐसा निकालने वाला जैसे हमारे लाल बहादुर शास्त्री थे जनता के लीडर जनता का दर्द समझते थे वो जनता की दिल की बात जानते थे उन्हें फील करते थे जय जवान जय किसान आजकल के नेता जो वोट मांगने आते हैं ना, पर उन्हें लगता है कि भगवान साक्षात उतर के धरती पर आ गया है ऐसे रहते आप जो मांगो वो देने को तैयार हैं, भाई आप मुंह तो खोलो और आपने उन्हें वोट दिया फिर देखो उनका होता जब वो जीत जाते हैं तो देखो कैसे राजा बन के आते हैं है? कल तक हम राजा थे वो रंक आज हमें रंक बना देते हैं और वो राजा बन जाते हैं ये राजा और रंक के खेल का अंत होना बहुत जरूरी है मेरे ख्याल से हमारे यहाँ के नेताओं को ये समझना चाहिए कि राजनीति जो है ये सत्ता सत्ता जो है ये भोग विलास की जगह नहीं है ये त्याग की जगह है और जितनी जल्दी हमारे राजनेताओं को ये बात समझ में आ जाए उतना बेहतर बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस शो में आने का आप अपनी सेहत का ख्याल रखें क्योंकि जान है तो जहान है और अगर जान और जहान आपके पास रहेगी आपकी राय तभी तो हमें मिल पाएगी बहुत बहुत, बहुत शुक्रिया और ये जहाँ मुकम्मल तभी होगा जब इस जहाँ में बेटियां होंगी जी हाँ भारत में चाइल्ड सेक्स रेशियो में गिरावट आ गई है इस रेशियो में छह साल तक के बच्चों में अभी हजार लड़के और नौ लड़कियां हैं जो कि दो में हजार लड़के और नौ लड़कियां थी जितने भी दर्शक हम लोगों का ये कार्यक्रम देख रहे हैं अगर कोई ऐसा सोचता है कि लड़के लड़कियों से बेहतर हैं तुम्हें मैं ये दिखाना चाहता हूं देखिए इन लड़कियों ने साबित कर दिया है कि वो किसी भी मामले में किसी भी क्षेत्र में लड़कों से पीछे नहीं है चाहे वो विज्ञान हो खेल हो या समाज सेवा हो तो दोस्तों अपने दिमाग से हर फर्क को मिटाओ और इस रेशियो को प्लीज थोड़ा आगे लेके जाओ माँ बाप बच्चे को जन्म देते हैं लेकिन एक शिक्षक एक इंसान को जन्म देता है लेकिन कई ऐसी जगह हैं जहां पर कि इन शिक्षकों के साथ बहुत गलत हो रहा है जैसे कि कोलकाता के मदरसे के हेडमास्टर को उसी मदरसे के कर्मचारियों ने इसलिए पीट दिया क्योंकि वो बच्चों को राष्ट्रगान सिखा रहे थे सबसे पहले तो मैं ये बता देना चाहता हूं कि राष्ट्रगान का किसी भी धर्म या समुदाय से कोई लेना देना नहीं है राष्ट्रगान राष्ट्र का होता है ऐसे ही जाहिलों की सोच की वजह से इनके कुकर्मों की वजह से सारे के सारे समुदाय के ऊपर उंगली उठती ना का दोस्ती ना का डर, जो भी मिले, जब भी मिले मिलकर लेते हैं खबर विद मी वरुण आज मेरे पास चार गाड़ियां हैं छह बंगले हैं आठ बैंक अकाउंट तुम्हारे पास क्या है, है। यह डाल आज की डेट में कौन बोल रहा है बताते हैं आपको लेकिन पहले दिल्ली पुलिस की उपलब्धि पर नजर डालते हैं राजधानी एक्सप्रेस दिल्ली पुलिस का नाम दर्ज हुआ है लिमका बुक ऑफ रिकॉर्ड में अगर आपको याद हो तो कुछ समय पहले हमने खबर सुनाई थी सबसे महंगे सूसू ब्रेक वाली भारत की सबसे बड़ी कैश की चोरी करने वाले को दिल्ली पुलिस ने पकड़ा और वो भी सिर्फ रिकॉर्ड दस घंटों में एक्सिस बैंक की कैश वैन का ड्राइवर बाईस पॉइंट उनचास करोड़ रुपए लेकर फरार हो गया था फिर क्या था दिल्ली पुलिस आ गई अपनी फॉर्म में और धर धर्दोचा धर्दोचा आरोपी को सिर्फ दस घंटों में जब नए नए मोबाइल फोन आए थे तो मेरा ढाई रुपए का मोबाइल खो गया था मैं पुलिस के पास चला गया अब पुलिस का कहना यह था कि भैया तेरे ढाई हजार के मोबाइल के चक्कर में हम साढ़े छह हजार का पेट्रोल तो फूक नहीं देंगे है? मतलब उतने के तो तुम्हारे मुर्गे नहीं है इधर उधर की बातें छोड़ते हैं। लेते हैं खबर काले कारोबार की राजधानी एक्सप्रेस से उतर कर बैठते हैं चेन्नई एक्सप्रेस पर वैसे चेन्नई के इन भाई साहब का नाम भी लिमका बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में जरूर दर्ज होना चाहिए जी हाँ इन्होंने एक वेबसाइट से ऑर्डर किया एक स्मार्टफोन जिसकी कीमत कुछ अड़तालीस हजार रुपए के आसपास थी डिलीवरी हुई पैकेट खोला और पैकेट खोलने के बाद ये बिल्कुल सख्ते में आ गए जिंदगी में जीरो बटा सन्नाटा मतलब ऐसा लगा जैसे कि पैकेट के अंदर से सांप निकल गया हो क्योंकि पैकेट के अंदर से निकला क्या कपड़े धोने का साबुन बताओ यार जाती है

ऑर्डर देने और डिलीवरी के बीच में सामान कौन बदलता है इसके बारे में तो कुछ कहा नहीं जा सकता लेकिन वेबसाइट वालों को चाहिए कि थोड़ा सा वो भी ध्यान रखें और हम जैसे लोग जो कि किसी वेबसाइट पे 70 परसेंट ऑफ 80 परसेंट ऑफ देखकर धड़ाधड़ पागलों की तरह ऑर्डर करने लग जाते हैं ठंड रखिए आराम से पहले सुन लीजिए देख लीजिए पढ़ लीजिए वेबसाइट के बारे में पता कीजिए और फिर ऑर्डर कीजिए अरे कौन सा भागा जा रहा है कुछ भी मतलब कि एक दूजे की मदद कीजिए है ना जैसे रजनीकांत ने मदद की थी बच्चन बाबू की क्या मदद की थी और कैसे मदद की थी हम आपको बताएंगे आप ही के लिए तो खबरें लेकर आए हैं लेकिन उससे पहले लेते हैं खबर की चलिए तो एक आदमी है जिसके पास दो फार्म हाउस है चार बंगले हैं हजारों एकड़ के प्लॉट हैं चार पांच महंगी गाड़ियां हैं और आठ बैंक अकाउंट है जिसमें ऑब्वियसली लाखों करोड़ों रुपए हैं तो आप ही बताइए कि ये आदमी कौन है सोचिए सोचिए बड़े से बड़ा नाम सोचिए मैं आपको बता दूं कि आप जो भी नाम सोच रहे हैं वो सारे सारे के नाम गलत हैं <laughs> ये आदमी टाटा बाटा ओबराय या राजा कुछ भी नहीं है नेता तक नहीं है अरे बोल रहा हूं रहने दीजिए अंदाजा नहीं लगा पाएंगे <laughs> अब मैं आपको बता दू की कि रियासत किसकी है यह रियासत है एमपी के एक कॉन्स्टेबल की गए ये सारी, -सारी की सारी प्रॉपर्टी है हवलदार अरुण सिंह की हवलदार साहब के घर पे एंटी करप्शन लोकायुक्त ने जब छापा मारा तब इनके भ्रष्टाचार का सारा का सारा पिटारा खुला कायदे से देखा जाए तो जितनी इनकी कमाई है इनकी प्रॉपर्टी तो मुझे जितनी भी नहीं होनी चाहिए लेकिन भाई साहब करोड़ के मालिक मुझे लगता है कि ऐसे पुलिस वालों की ना मरम्मत बहुत जरूरी है मतलब मैं कहता हूं कि इन पुलिस वालों को रीडेवलपमेंट में डाल देना चाहिए लेकिन हमें मिल गई है फोटो ऑफ द ईयर जी हाँ ये तस्वीर है दिल्ली मेट्रो की जहां पर अभी अभी ये ऑड इवन रूल लागू हुआ है वैसे मैं आपको बता दूं कि यह तस्वीर असली नहीं है दिल्ली वालों डरने की जरूरत नहीं है इस तस्वीर की मरम्मत की गई है ये सिर्फ किसी की भावनाएं हैं ऑड इवन रूल को लेकर मतलब किसी को लगता है कि अगर ये ऑड इवन रूल यूं ही चलता रहा तो दिल्ली की मेट्रो जो है उसकी हालत स्लो पैसेंजर ट्रेन जैसी हो जाएगी स्लो पैसेंजर ट्रेन बनने में उसको ज्यादा वक्त नहीं लगेगा ठीक जैसे कि सेंसर बोर्ड को बिजली बोर्ड बनते हुए टाइम नहीं लगेगा अब कैसे ये जानते हैं हम वेल well, तबू और कटरीना कैफ में क्या खिचड़ी पक रही है वो भी चखाएंगे आपको पर पहले ताने तांग जांग कर हैं सुना है कि कोरिया में ऐसे रोड्स बन गए हैं जिनके ऊपर से इलेक्ट्रिक बसेस जब चलेंगी तो अपने आप चार्ज होती जाएंगी वैसे तो अगर हमारे यहां पे ऐसा होता ना तो बस तो छोड़ो लोग अपने जो है मोबाइल निकाल निकाल के घिस रहे होते सड़कों के ऊपर कि भैया चार्ज तो मजाक छोड़िए लेकिन आपको सही बताऊं हम लोगों को मार्केटिंग करनी नहीं आती और यही कारण है कि हमारी सड़कें जो है वो पिछड़ जाती हैं वरना जो फैसिलिटी हमारी सड़कें देती हैं बाहर वाले तो सोच भी नहीं सकते उसके बारे में अब देखिए आप भर पेट खाना खाएं और फिर आपको उसे पचाना हो किसी भी बस में बैठिए चार किलोमीटर वो बस चलेगी गड्ढे इतने होंगे कि झटके लग लग के लग लग के लग लग के आपका सारा का सारा खाना पच जाएगा कोई तो गैस की प्रॉब्लम भी नहीं होगी बताइए बाहर होता है कभी ऐसा चांस ही नहीं है हम दिखाते हैं आपको खेल खिलाड़ी का मुंबई के युवा क्रिकेटर प्रणव धनावड़े ने बहुत बड़ा कमाल कर दिया है मतलब धड़ा धड़ धड़ा धड़ धड़ा धड़ रन बनाते हुए उन्होंने एक इनिंग में एक हजार नौ रन बनाए <laughs> और इस पारी में ऐसा नहीं कि उन्होंने एक एक दो दो करके रन बनाए हो जी नहीं ये हज़ार से ज़्यादा रन उन्होंने सिर्फ तीन बॉल में बनाए जिसमें कि एक चौके थे और उनसठ छक्के थे मतलब 800 से ज़्यादा रन उन्होंने सिर्फ एक सौ अठानवे बॉलों में बना दिए हिंदुस्तान के वनडे टीम के कप्तान एम एस धोनी ने प्रणब की तारीफ करते हुए कहा है कि यह कोई बहुत छोटी बात नहीं है मतलब अगर मुझे इतनी लंबी बैटिंग करनी पड़ती तो मैं तो शायद उग जाता मतलब इतना स्कोर करने के लिए बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ती पर जरा उन बेचारे गेंदबाजों की सोचिए जिन्होंने की एक हजार नौ रन की बॉलिंग की होगी मतलब यह कि एक विकेट कीपर को छोड़ के अगर टीम के हर बंदे ने बॉलिंग की हो तो सबके हिस्से में सौ सौ रन आते तो एक बार जोरदार तालियां हो जाए प्रणव धनावड़े के लिए तालियां तो हो गई लेकिन पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त अमिताभ जी ने कौन सा कहा माना रजनीकांत जी का अरे बता देता हूं लेकिन पहले मेरा कहा मान लीजिए है और आने वाली फिल्म फितूर की बात सुन लीजिए फितूर फिल्म का ट्रेलर आजकल धूम मचाए हुए है जी हाँ इस फिल्म में नजर आएंगे कटरीना कैफ आदित्य रॉय कपूर और तबू अब हमारी तब्बू जी का यह कहना है कि अभी तक उन्होंने जितनी भी अभिनेत्रियों के साथ काम किया है उनमें से उन्हें कटरीना कैफ कटरीना कैफ सबसे ज्यादा मेहनती लगी जब बात <laughs> मतलब कड़ा परिश्रम करने वाली कटरीना कैफ सही है सही बात है मतलब उन्होंने साथ में काम करते हुए यह देखा होगा कि यार लड़की एक्सप्रेशन देती है एक मतलब कि इतनी कंसिस्टेंट परफॉर्मर आप ये सोचिए कि एक सिंगर अपना आलाप शुरू करे आ, और उसको सीधा खींच जाए आसान काम नहीं है एक एक्सप्रेशन पे पूरी की पूरी एक्टिंग कर देना है मेहनत का काम होता है <laughs> सेंसर बोर्ड के अध्यक्ष महोदय श्री पहलाज नेहलानी के हत्ते चढ़ने जा रही है प्रकाश झा की फिल्म जय गंगा जल और इस फिल्म में सेंसर बोर्ड पचास कट मांगने की सोच रही है <laughs> पचास कट मतलब इतने कट मुझे तो लगता है कि यूपी का बिजली विभाग जो है इतने कट तो वो एक दिन में नहीं मारता होगा इलेक्ट्रिसिटी में जितने कट सेंसर बोर्ड ने मांग लिए फिर भी सोचिए प्रकाश झा साहब की डेब्यू फिल्म खुद एक्टिंग कर रहे हैं इसमें और उसमें मांग लिए गए कट पचास कट करने के बाद पिक्चर बचेगी या सिर्फ प्रोमो ही दिखाना पड़ेगा एक सेकेंड प्रोमो भी बचेगा कि नहीं है? तो वो फिल्म में अपन को का काम नहीं करने का है ऐसा हमें रजनीकांत ने बोला मालूम जी हाँ रोबर फिल्म में अमिताभ बच्चन जी को विलन बनने से रजनीकांत जी ने मना किया था उनका यह मानना था कि बिग बी जो है वो ऑडियंस के दिमाग में खलनायक के तौर पर बैठेंगे ही नहीं उनको कभी एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे अभी हाल ही में बच्चन बाबू की पिक्चर रिलीज हुई है वजीर बहुत ही शानदार फिल्म <laughs> सॉरी 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 शानदार नहीं बोलना बोलना चाहिए चाहिए बढ़िया शानदार ना 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 बच्चन बाबू बुरा मान जाएंगे है? और कहीं ऐसा ना होगी शानदार बोलने की वजह से आलिया और वो क्या दूसरा क्या था कौन था शायद शायद, शायद कपूर <laughs> वो मतलब खुश हो कि हमारा नाम बच्चन बाबू के साथ जुड़ा अमित <laughs> जी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं वजीर के लिए और सच में आप इस सदी के महानायक हैं वेल well, हमारा शो अपने अंतिम पड़ाव पे आ गया है जाते जाते मैं आपको यह बता दूं कि अगर आपके पास भी है कोई अतरंगी खबर जो कि आप हमारे साथ शेयर करना चाहें तो शेयर करें इधर www.facebook.com डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यूट कॉम स्लैश लेते हैं खबर पे और लेते हैं खबर सुनते रहिए 92.7 टू पॉइंट सेवन एफ पर और जाने से पहले मैं सलाम करना चाहूंगा उन सभी महानायकों को जिन्होंने पठानकोट एयरबेस पर हुए आतंकी हमले में अपने प्राणों की आहुति दी देश की आन बान और शान बचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद वंदे मातरम